हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशी क्रिएशन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, और जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको मार्केट के मटर पनीर जैसा ही लगेगा, जैसे रेस्टोरेंट्स में हम लोग खाते हैं सेम वैसा ही। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये वीडियो। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर, मटर, दो प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, हींग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और कुछ मैंने ली है काली मिर्च, मसाले और मस्टर्ड ऑयल। मैं इन सभी को यहाँ पे रफली चॉप्ड करूंगी। यहाँ पर सभी को मैंने रफली चॉप्ड कर दिया है। मैंने ली है एक कढ़ाई और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, और इसमें ऐड करूंगी मैं एक स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल गरम हो गया है और इसमें ऐड करूंगी मैं ये प्याज। यहाँ पर मुझे प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ये है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और इसमें ऐड करूंगी मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, यहाँ पे आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज किया है। और साथ ही ऐड करूंगी मैं टमाटर, साथ ही यहाँ पे ऐड करूंगी मैं एक चम्मच नमक। यहाँ पर मुझे टमाटर को बिल्कुल गलाना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप मटर पनीर में ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं पेस्ट बना के, बट मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़े से तेल में इन सभी को सौते करा है। वो इसलिए क्योंकि जो मटर पनीर का जो कलर है, जो टेस्ट है, वो ऐसा करने से इनहांस हो जाता है, जो खाने में उसका टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने सबसे पहले इन सभी को थोड़े से तेल में सौते किया है। और अब मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ एक ग्राइंडर में और इसका बनाऊंगी पेस्ट। यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है, और कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये आया है। इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच हींग, ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची, और साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें काली मिर्च। और ऐड करूंगी मैं इसमें 1.5 चम्मच जीरा। इसको अच्छे से सौते कर लूंगी। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्च, और साथ ही इसमें ऐड करूंगी मैं ये पेस्ट। साथ ही ऐड करूंगी मैं इसमें 1/2 कप पानी। यहाँ पे ऐड करूंगी मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। और 1 चम्मच नमक। इसको मैं कवर करके यहाँ पे 5 मिनट पकने दूंगी। जब तक यहाँ पे मेरा ये मसाला
तड़का रेडी होता है तब तक मैं कर लेती हूँ पनीर को थोड़ा सौते। तो मैंने लिया है तवा, आप पैन भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी। अब इसके ऊपर रखूंगी मैं पनीर। एक बार मैं अपने मसाले को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है। और इसमें ऐड करूंगी मैं आधा चम्मच हल्दी। इसको मुझे अभी और पकाना है 5 मिनट के लिए। यहाँ पर ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा, और जो तेल है वो मसाले के ऊपर आ गया है, तो मेरा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और इसमें ऐड करूंगी मैं मटर। और साथ ही ऐड करूंगी मैं इसमें पनीर। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 कप पानी। और इसको यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैं कवर करके पकाऊंगी, जो मटर है मेरी वो अच्छे से यहाँ पे पक जाए। पांच मिनट हो गए हैं और एक बार मैं मटर पनीर की सब्जी को चेक कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इस पे आ गया है। और यहाँ पे ऐड करूंगी मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। मैं अपनी मटर पनीर की सब्जी को निकाल लिया है एक बाउल में, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा गार्निशिंग के लिए डाला है ग्रेट किया हुआ पनीर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, जीरा राइस हो, नान, तंदूरी रोटी या फिर सिंपल रोटी। मटर पनीर की सब्जी को सर्व किया है तंदूरी रोटी के साथ। तंदूरी रोटी मैंने घर पे ही बनाई है, बट इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैंने मटर पनीर बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है, जैसा हम लोग मार्केट में खाते हैं। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स कुछ भी यूज़ नहीं करा है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा इजी मैंने इसको बनाया है। और जो नॉर्मल हम लोग घर में जो भी मसाले यूज़ करते हैं उसी के साथ मैंने इसको बनाया है। आप भी एक बार इसको इसी तरीके से अपने घर पे इसको ट्राई करिए, आपके घर में सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी वीडियो पे आप कमेंट एंड लाइक जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।